बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम इब्दाए रब्बे जलील के बाबरकत नाम से दुरूद पाक मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। रश्मत अली एमफिल फिजिक्स असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स कॉलेज ऑफ फ्री गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज रेमिया खान। फिजिक्स जोन की तरफ से लेक्चर नंबर है 7 चैप्टर 19 एफएससी फिजिक्स सेकेंड पार्ट। तो ये आज का जो लेक्चर है बेसिकली गुज़श्ता से पैवस्ता वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स और फिर उसके बाद फाइनली है वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। हम ये पहले लेक्चर्स में जान चुके हैं लेक्चर नंबर 6 में कि अगर एक लाइट वेव है लाइट रे है तो उसकी वेव नेचर होती है। हमें अंदाज़ा कैसे हुआ फोटोइलेक्ट्रिक अपने इंटरफेरेंस डायफ्रेक्शन और पोलराइजेशन से, लेकिन बाद में हमने इसको साबित किया फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से कॉम्पटन इफेक्ट से पेयर प्रोडक्शन से एनालेशन ऑफ मैटर से कि लाइट वही जो वेव नेचर रखती है वो पार्टिकल नेचर भी रखती है। अब ये खैर फाइनली हम डिसाइड करेंगे, लेकिन उसके बाद पार्टिकल के बारे में हम पहले जानते थे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम्स के ये पार्टिकल नेचर रखते हैं। पार्टिकल के लिए दो चीज़ें होना ज़रूरी हैं, एक उसका मास होना ज़रूरी है दूसरा मोमेंटम होना ज़रूरी है, लेकिन मोमेंटम उससे कई गुना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके हिस्से कर लिए हमने तीन वेव नेचर हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आइडिया देने वाला शख्स था डी ब्रोगले लॉयस विक्टर डी ब्रोगले। उसने हाइपोथेसिस दिया और उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने वाला था डेविसन एंड जर्मर। उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया जो कि बाद में जर्मर उस एक्सपेरिमेंट से सेपरेट हो गया और जेरज थॉमसन पैगन जेरज पैगन थॉमसन वो इसमें शामिल हुआ तो उस एक्सपेरिमेंट की पाया तकमील को पहुंचा। और इस एक्सपेरिमेंट हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया लेक्चर नंबर सिक्स में कि इससे ये साबित हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक ही एक्सपेरिमेंट में वेवलेंथ शो करता है और दोनों की वेवलेंथ दो एस्पेक्ट से सेम होती है। आज का जो हिस्सा है वो है कन्फर्मेशन ऑफ वेव नेचर। तो लिहाजा कैसे कन्फर्म करें उसके लिए छोटा सा तरीके का डिज़ाइन किया गया, वही मेथड अप्लाई करेंगे जिससे हमें लाइट का अंदाज़ा होता है कि वो वेव है। तो उसके लिए है इंटरफेरेंस और डायफ्रेक्शन दो फिनोमेना बड़े अहम है। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अलाउड टू पास थ्रू डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये आपके पास एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट चैप्टर नंबर 9 में हमने सीखा है। तो यहाँ भी ये डबल स्लिट है, इधर इलेक्ट्रॉन की बीम बनाएगी, वैसे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल हैं लेकिन अगर उनको हाई स्पीड से गुजारा जाए काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन तो एक बीम बन जाएगी। तो इसमें से स्लिट में से गुजारते हैं आगे स्क्रीन रखी जाती है, तो ये भी एक इसी तरह का फिनोमेना अरेंज किया हुआ है। अब देखना ये कि अगर वो सिर्फ पार्टिकल की नेचर रखते हैं तो इन स्लिट के सामने दो स्पॉट बन जाएंगे, लाइट आ रही है तो सामने इधर से एक्सपोज करने वहाँ पे स्लिट्स हैं तो एक स्पॉट इधर बन गया एक इधर बन गया, वो ये पार्टिकल नेचर सिर्फ अगर पार्टिकल नेचर है। लेकिन अगर वो वेव नेचर रखते हैं तो फिर वैसे बिहेव करेंगे जिस तरह के वेव बिहेव करती है। और ये हमें पता है कि लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट जब हम डबल स्लिट में से गुजारते हैं तो उसमें डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा बनते हैं, जिसकी इंटेंसिटी सेंटर पे मैक्सिमम होती है जैसे बाहर जाए तो कम होती जाती है। तो हम ये इस चेक करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन बीम जो है इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है लेकिन क्या वो वेव प्रॉपर्टीज रखते हैं नहीं, तो एक्सपेरिमेंटली क्या हुआ कि इस तरह के पैटर्न में हासिल हुआ, यानी ये है ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का ऐसा पैटर्न में हासिल नहीं हुआ। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या साबित करता है, ये साबित करता है कि इलेक्ट्रॉन बीम भी एज ए वेव ट्रीट हो रही है एज ए वेव बिहेव कर रही है। तो फिर हो सकता है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन के साथ प्रॉब्लम हो और उसके बाद लेटर ऑन प्रोटॉन लिए गए न्यूट्रॉन लिए गए और इसके अलावा हाइड्रोजन एटम की बीम बनाएगी फिर हीलियम एटम की बीम बनाएगी और इसी प्रोसेस से गुजारा गया और तमाम पार्टिकल में हमें यही इस तरह का पैटर्न नहीं मिला, ऐसा पैटर्न किसी में नहीं मिला। तो ये कुछ चंद एक्सपेरिमेंट्स हैं जो साबित करते हैं कि ये पार्टिकल एज अ वेव बिहेव कर रही है। तो लिहाजा ये कन्फर्मेशन हो गई। अब कंक्लूजन क्या है इसका
all the experiments on material particles prove that material particles have a wave nature. ये साबित हो गया कि इनकी ये wave nature है. अब further इसका अगर ये एक चीज हम साबित कर चुके हैं, हमने देख लिया साइंटिस्ट ने काम किया और वो एक्सपेरिमेंट के जरिए साबित किया गया कि इनकी वो प्रॉपर्टीज रिवील होती हैं जो वेव में होती हैं, लिहाजा ये भी हम कह सकते हैं वेव नेचर. तो फिर इनको वक्त गुजरने के साथ दोनों किस्म के लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया. सबसे पहले हम ये कहते हैं ये हाइपोथेसिस है, थ्योरी है, एक्सपेरिमेंट नहीं. तो रिजल्ट जिसके एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई होते हैं उसे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए. तो पहले सबसे मिला प्रिंस लॉयस विक्टर डी ब्रोगले को इसके काम की बुनियाद पर, जो इसके हाइपोथेसिस की बुनियाद पर 1929 में. सोचने के बाद इसने तो हाइपोथेसिस दिया था तो इसने कौन सा कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. एक्चुअली इसका आइडिया था जो आगे वर्क किया, उस आइडिया की बुनियाद पर इसको नोबेल प्राइज दिया गया. फिर उसके बाद क्लिंटन जोसेफ डेविसन और जॉर्ज पैगेट थॉमसन, जैसे आपको बताया कि जर्मन एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट में था लेकिन बाद किसी वजूहत बिना पर वो लीव कर गया, उसकी जगह इसको एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने और फाइनल रिजल्ट तक पहुंचाने के लिए जॉर्ज जी पी थॉमसन हम कहते हैं, उसने दोनों नोबेल प्राइज शेयर किया 1937 में. काम करते रहें, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ या किसी किस्म का प्राइज़ मिले. अगर आपका काम अच्छा है किसी न किसी वक्त आपको ज़रूर उसका रिवार्ड मिलेगा, अवार्ड मिलेगा. तो ये आप देख लें कि बहुत अरसे के बाद इनको नोबेल प्राइज़ मिला, पहले इसको मिला, तो लिहाजा उनको अवार्ड दिया गया. बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस बहुत अच्छे अच्छे काम किए होते हैं, हिस्ट्री में मौजूद हैं, लेकिन उनको किसी को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला. बहुत सारे लोग ऐसे हैं फिज़िक्स की फील्ड में. अगर हम देखें तो जब नोबेल प्राइज़ दिया जाता है चंद बहुत से लोगों का काम को मद्देनजर रखा जाता है और फिर उनके नॉमिनीज होते हैं. नॉमिनीज में से कोई एक टीम जो है किसी चंद एक या दो या तीन जिस तरह उनका वर्क है, जिस तरह की उनकी फ्यूचर इम्प्लीमेंटेशन है, एप्लीकेशन है, उसके लिहाज से उनको नोबेल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. अब इसी वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स को हम साबित कर चुके हैं, ये पता चल गया कि वेव नेचर है. कोई भी पार्टिकल होगा जिसका मैस है और मोमेंटम है तो यकीनन उसकी वेव लेंथ भी है. डिपेंड करता है कि उसकी स्पीड कितनी है, स्पीड पे डिपेंड करते हैं उसकी वेव लेंथ भी है. अब एक चीज़ है कि हम लाइट के मुतालिक और मैटर के मुतालिक दो किस्म के आइडियाज डेवलप कर चुके हैं. तो अगर दो किस्म के हैं तो क्या इनकी ड्यूअल नेचर नहीं साबित होती, लेकिन देखते हैं कि कैसे वो ड्यूअल नेचर होगी, क्या उसकी. पहले सबसे पहली बात है ये हम पहले परफॉर्म किया इसका वेव नेचर ऑफ लाइट या एनर्जी. एनर्जी जो ना वेव नेचर रखती है, कॉन्सेप्ट नाम ने ऐसे इंटरफेरेंस डायफ्रेक्शन और पोलराइजेशन, ये साबित करते हैं कि लाइट जो ना वेव प्रॉपर्टी रखती है. और ये हमने नाइन्थ चैप्टर जो ना फर्स्ट ईयर कोर्स में पढ़ा. फिर दूसरा आते हैं देखें ये लाइट के लिए कि इसके पार्टिकल नेचर है, और पार्टिकल नेचर के लिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इस चैप्टर में, कंटन इफेक्ट, पे प्रोडक्शन, एनिहिलेशन ऑफ मैटर, ये साबित करते हैं कि लाइट जो ना वो पार्टिकल नेचर रखते हैं. तो ये भी साबित हो गया, ये भी साबित हो गया. फाइनली हम किसको माने कि ये सही है, ये सही है. अभी हम आगे चलते हैं. तो फिर अब वेव नेचर ऑफ मैटर, पार्टिकल या मैटर उसकी वेव नेचर उसके बारे में देखें. तो अभी ये फ्रेश एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा है, फ्रेश एक्सपेरिमेंट के मुताबिक कि जी पी थॉमसन ने, जर्मन ने और डेविसन ने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया उससे ये साबित हुआ कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर रखते हैं. अगर ये वेव नेचर रखते हैं तो यकीनन साबित हो रहा है कि एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट आ रहा है. और इस तरह और भी बहुत सारे ऐसे हैं एक्सपेरिमेंट हैं जिनमें वेव नेचर है. सपोज करें कि इलेक्ट्रॉन कैथोड रेस लेते हैं, बेसिकली वो पार्टिकल है, लेकिन जब हम कैथोड रेस कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो वेव नेचर रखते हैं. तो लिहाजा इसी तरह नेक्स्ट चौथा एस्पेक्ट है कि पार्टिकल लेकिन वो पार्टिकल नेचर मैटर के, ये तो हम सब लोग जानते हैं. इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल नेचर है, प्रोटॉन पार्टिकल नेचर, न्यूट्रॉन पार्टिकल नेचर है. और इसके अलावा ए बाई एम एक्सपेरिमेंट का इलेक्ट्रॉन का हमने मालूम करना सीखा है, प्रोटॉन का होता है. ई बाई एम ये साबित करता है वो कैथोड रेज लेकिन वो पार्टिकल है, तभी इसका ई बाई एम एग्जिस्ट करता है.
चार पहलू हमने देख लिए, लाइट के मुतालिक दो पहलू थे और मैटर के मुतालिक दो पहलू थे। तो हमने ये देखा कि कहीं ना कहीं वो लाइट भी, लाइट एनर्जी भी है और वेव भी है, और पार्टिकल जो है मैटर के वो एनर्जी भी है और वेव भी है। तो अब हम फाइनल किस तरफ जाएं, ये हमने ड्रा करना है कुछ कंक्लूजन। तो ये प्रिंसिपल इसमें आ गया, कंप्लीमेंटरिटी प्रिंसिपल। नील बोहर का ये दिया हुआ प्रिंसिपल है, वो क्या कहता है कि मैटर या रेडिएशन, एनर्जी रेडिएशन है, तो बोथ वेव एंड पार्टिकल एस्पेक्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ बोथ रेडिएशन एंड मैटर। यानी मैटर और रेडिएशन के लिए दोनों पहलू का होना जरूरी है। अब कौन सा पहलू किस वक्त होगा, कैसा होगा, कब लाइट बिहेव करेगी एज ए पार्टिकल, कब लाइट बिहेव करेगी एज ए एनर्जी, इस तरह कब मैटर बिहेव करेगा एज ए पार्टिकल और कब मैटर बिहेव करेगा एज ए एनर्जी, तो ये कहते हैं कि बोथ एस्पेक्ट्स कैन नॉट बी रिवील्ड एट द सेम टाइम। दोनों पहलुओं को एक वक्त में हम जाहिर नहीं कर सकते, या वो दोनों पहलू उस सब्सटेंस के वो जाहिर नहीं करते। ये आगे फिर कैसे पता चलेगा, नेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट आया कि हम एक्सपेरिमेंट किस तरह कंडक्ट कर रहे हैं, तो उससे हमें अंदाजा होगा कि लाइट किस तरह बिहेव करे। सपोज करो हमने वो डबल स्लिट वाला एक्सपेरिमेंट लिया, तो उसमें लाइट जाती है स्लिट में से पास होती है और फिर उसके डायफ्रेक्शन होती है, डायफ्रेक्शन की बुनियाद पर वो लाइट बिहेव करती है एज ए वेव। लेकिन अगर वही लाइट उसके सामने हम कोई मेटल प्लेट रख दें जिस तरह फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो लाइट उससे इंटरेक्ट करेगी, टकराएगी, तो उससे बिहेव करेगी एज ए पार्टिकल। तो इससे हम कंक्लूजन ड्रा करते हैं, जब लाइट ट्रेवल करती है यानी इंटरफेरेंस में सिर्फ दो स्लिट्स हैं, स्लिट्स में लाइट में पास जाना, किसी से इंट्रैक्शन नहीं होती, तो जब लाइट ट्रेवल कर रही है तो वो ऐसे बिहेव करती है जैसे कि वो वेव हो, और जब ये किसी से अगर टकराएगी तो ऐसे बिहेव करेगी जैसे कि कोई पार्टिकल हो। तो जनरल कंक्लूजन ये हुआ कि मैटर और एनर्जी दोनों एक ही चीज है, बल्कि इसमें हम एक चीज ऐड कर रहे हैं कि मैटर इज द मोस्ट कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम ये कह सकते हैं कि मैटर इज मोस्ट कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी, या दूसरे लफ्ज में हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी और मैटर एक ही चीज का नाम है, और ये आइंस्टाइन की इस इक्वेशन को भी तकवीयत मिल रही है। उसने कहा था कि एनर्जी को मैटर में, मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो मतलब दोनों कभी वो इस शक्ल में होते हैं और कभी ये इस शक्ल में होते हैं। ये शक्ल अगर है तो इसका मैटर नहीं है, वजूद नहीं है, लेकिन उससे एनर्जी अपना एहसास जरूर दिलाती है, और ये शक्ल है तो इसमें ये स्टेशनरी फॉर्म में हो सकती है, मोशन में भी हो सकती है, लेकिन दोनों एक ही चीज़ का नाम है। तो लिहाजा आज के आर्टिकल का इख्तिताम होता है। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।